हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल गवर्नेंस रिव्यू, जिसमें हमारे इनिशिएटिव चल रहा है जहां हम द हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं। क्योंकि संडे का आज दिन है, एडिटोरियल तो आते नहीं है, बट कुछ और अच्छे सेक्शंस आते हैं संडे के दिन, जैसे साइंस का सेक्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का सेक्शन है और प्रोफाइल्स का सेक्शन एक आता है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग आज का डिस्कशन रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज अ 340 टन व्हेल स्पीसीज लाइव 39 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे एक न्यू डिस्कवरी हुई है। यस, अ न्यूली डिस्कवर्ड पेरोसिटस कोलोसस एन एंशियंट स्पीसीज ऑफ व्हेल इज थॉट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एनिमल्स ऑन रिकॉर्ड। तो अभी तक जो ब्लू व्हेल को हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता था, तो उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया है एक नई डिस्कवरी ने, जिसमें क्या हुआ है, ये जो डिस्कवरी हुई है, एक्चुअली द एनिमल इज मॉडल्ड फ्रॉम ए पार्शियल स्केलेटन इंक्लूडिंग 13 वर्टेब्राई, 4 रिब्स एंड 1 हिप बोन, डिस्कवर्ड इन सदर्न पेरू एंड एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सिमेट 39 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो एक तो ये इसकी जो एज बताई गई है लगभग वो 39 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये स्पेसिमेन है, और इसको डिस्कवर किया गया सदर्न पेरू में, ठीक है ना। जो इसका बॉडी मास है वो लगभग रेंज बताई गई कि इट इज बिटवीन 85 एंड 340 टन्स के बीच में ये जो है रहने वाला है, और इसको जो है लार्जेस्ट और हैवीएस्ट एनिमल ये ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इन टीबी डिटेक्शन स्मियर माइक्रोस्कोपी शेयर स्टिल होल्ड्स स्वे। तो यहाँ पे एक्चुअली WHO का यहाँ पे एक जिक्र किया गया, तो जो WHO जारी करता है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जो इसने जारी की थी, उसमें बताया था कि ओवर 40% ऑफ पीपल विद टीबी अक्रॉस द वर्ल्ड वर नॉट डायग्नोज इन 2021। इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद टीबी वर नॉट डायग्नोज इवन प्रायर टू द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक का बहाना देकर अलग ये बता दिया था कि इस वजह से डायग्नोसिस नहीं हुए, लेकिन पेंडेमिक के पहले भी जो है वो इंडिया में बहुत से लोग जो टीबी जिनको टीबी है वो एक तरह से उनकी डायग्नोसिस नहीं हुई थी। और रीजन इसका ये बताया क्योंकि जो हमारे यहाँ इंडिया में अभी भी जो टीबी के लिए डायग्नोसिस के लिए मेथड यूज किया जा रहा है, दैट इज स्मियर माइक्रोस्कोपिक, और ये जो है ना तो इतना इफेक्टिव है और ना ही ये इतना हाईली मतलब वेरीफाइड रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो दूसरी टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलर टेस्ट, वो जो है एक तरह से मोलिकुलर टेस्ट आर हाईली सेंसिटिव एंड कैन आइडेंटिफाई रिमेम्पिसिन रेजिस्टेंट एट इनिशियल डायग्नोसिस। तो इनिशियल डायग्नोसिस में भी वो डिटेक्ट कर सकता है, जबकि जो स्मियर टेक्नोलॉजी जो ये है स्मियर माइक्रोस्कोपी, ये जो है ये काफी लेट स्टेज में जाकर डायग्नोसिस करवा पाता है, तो अगर इनिशियल स्टेज में टीबी डेवलप हो रही है उसको ये नहीं पकड़ पाता है। तो इसी में यहाँ पे जो ऑथर ने जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि कैन इंडिया एलिमिनेट टीबी बाय 2025। ये इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने जो इंडिया ने टीबी को एलिमिनेशन का जो गोल रखा हुआ है वो 2025 है, जो कि 5 साल पहले है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जो हमने 2030 की गाइडलाइन है उससे 5 साल पहले रखा है, तो क्या इसको हम अचीव कर पाएंगे या नहीं, यही क्वेश्चन ऑथर ने यहाँ पे पूछा है। तो 2020 में इंडिया ने अपना जो RNTCP के नाम से एक प्रोग्राम चलता था उसको रीनेम करके रख दिया गया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम टू अंडरस्कोर इंडियाज गोल टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। लेकिन इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, उसको उन्होंने यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में एक तरह से हाईलाइट किया, उसको समराइज यहाँ पे कर दिया गया है। एज पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017-2025 द नंबर ऑफ स्मियर माइक्रोस्कोपी टेस्ट should have reduced from over 9.1 million in 2015 to 5.8 million in 2022। तो जो ये reduction होना था इसमें जो microscopic के द्वारा test किया था उनका वो घटना था, और जो molecular test थे उनको बढ़ाना था from 40,000 in 2015 to over 13.54 million in 2022। लेकिन अगर 2022 का अगर data देखें तो उसमें ये है कि जो 77% जो प्रेजम्प्टिव टीबी केसेज हैं वर एग्जामिन्ड यूजिंग स्मियर माइक्रोस्कोपी, और केवल 23% जो है वो उनके लिए मॉलिक्यूलर टेस्ट किया गया है, ठीक है। मतलब मेजोरिटी ऑफ टेस्ट आर स्टिल परफॉर्म्ड बाय द स्मियर माइक्रोस्कोपी टेस्ट। फिर दूसरा यह है कि स्पटम माइक्रो स्मियर माइक्रोस्कोपी हैज अबाउट 50% सेंसिटिविटी, केवल 50% सेंसिटिविटी है, और इट कैन नॉट आइडेंटिफाई रिमेम्पिसिन रेजिस्टेंस लीडिंग टू मेनी मिस्ड केसेस। बहुत सारे मिस्ड केसेस जो है वो अनडायग्नोज या अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, ये ऑथर बता रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 50% इसकी सेंसिटिविटी है इस टेस्ट की। अगर 2014 की WHO की गाइडलाइंस देखें तो उन्होंने भी ये कहा था कि जीन एक्सपर्ट मॉलिकुलर टेस्ट शुड बी यूज्ड एज एन इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आप इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में जो है आप मॉलिकुलर टेस्ट को यूज करेंगे, लेकिन इंडिया में अभी भी जो है 2019
2021 की जो टीवी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट है उसमें ये कहा है कि नियरली 64% इन इंडिया डिड नॉट गेट टेस्टेड फॉर टीवी। 64% तो टेस्टेड होते ही नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी वो वाली यूज हो रही है, ठीक है ना। पेशेंट्स विद सब क्लिनिकल टीबी मे शो नो सिम्टम्स बट मे बी इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल टीबी वो होती है, एक तो एक्टिव टीबी होती है जिसमें सिम्टम्स आपको दिख रहे होते हैं, लेकिन सब क्लिनिकल टीबी वो होती है जिसमें आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है सिम्टम नहीं दिखा रहे तो इट विल बिकम मोर हार्डर टू अचीव द 2025 गोल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टीबी, क्योंकि आपको सिम्टम नहीं दिख रहे हैं तो आप उसका डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर मॉलिकुलर टेस्ट वाले टेस्टिंग को यूज करेंगे तो ज्यादा आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे जो टीबी है, और इसके टीबी के एलिमिनेशन में ज्यादा हेल्पफुल वो रहेंगे। तो दिस इज इट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। लास्ट में अल्टीमेटली क्वेश्चन यही पूछा कि कैन इंडिया अचीव दिस एम्बिशियस गोल विद इट्स कंटिन्यूड ओवर रिलायंस ऑन ए सेंचुरी ओल्ड स्मियर माइक्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी। तो क्या इस टेस्टिंग के आधार पर हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे या चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। द एनिग्मेटिक इंडियन ईगल आउल कुछ नहीं है इसमें, जो यूरेशियन रीजन का जो ईगल आउल है उसको और इंडियन रीजन में पाए जाने वाले ईगल आउल को जो है कंपेयर किया है। तो ये जो यूरेशियन है वो थोड़ा सा फॉरेस्ट वाले एरिया में ज्यादा प्रेवलेंट होता है, लेकिन जो इंडियन आउल है वो या तो एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स में और जो श्रब लैंड्स है वहां पे जो है ज्यादा पाया जाता है। उसके रिगार्डिंग है कि क्या क्या उसमें वो है, ठीक है। नेक्स्ट इज कूलर पास्ट। एक अभी एनालिसिस हुई थी द एनालिसिस ऑफ ट्री रिंग रिकॉर्ड, ये कल भी बताया था मैंने आपको पीछे आर्टिकलों में बताया था कि जो क्लाइमेट की जो एक तरह से एनालिसिस किया जो ट्रीज की रिंग्स होती हैं सीजनल रिंग्स उनको बोलते हैं, उनसे भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि वेदर पैटर्न क्या रहा था। ये जो एनालिसिस की थी ये फेनोस्कैंडिया रीजन में की गई थी जो कि नॉर्दर्न यूरोप में एक रीजन है। फ्रॉम द पास्ट 1170 ईयर सजेस्ट दैट करंट क्लाइमेट मे बी सब्सटेंशियली वार्मर देन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड कॉन्ट्ररी टू प्रीवियस रिसर्च। तो प्रीवियस रिसर्च की मेडिवल क्लाइमेट के रिगार्डिंग उसके कॉन्ट्रास्ट में अभी जो रिसर्च हुई है वो ये सजेस्ट करती है कि जो करंट क्लाइमेट है वो सब्सटेंशियली वार्मर है देन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इतना इसमें जानने के लिए जरूरत थी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आर्टिकल रिगार्डिंग दिया है डिस्कशन दिया है वो है व्हाई आर रोहिणी पैनल्स फाइंडिंग इंपॉर्टेंट। तो रोहिणी पैनल जो अपॉइंट किया गया था किसके लिए, इट इज जस्टिस जी रोहिणी जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस थी हमारे दिल्ली हाईकोर्ट की, फॉर्मर दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस थी, उनकी लीडरशिप में कमीशन का गठन किया गया था फॉर टू स्टडी द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी constituted in October 2017, submitted its long-awaited report to the President of India on July 31st after having received 14 extensions in the last 6 years. तो पिछले 6 सालों में उनको लगभग 14 बार extension इस commission को दिया गया और उसने जो है अपनी report जो है वो submit करी है। तो पहला तो ये था कि क्या-क्या commission क्या-क्या examine करने वाला था। तो to examine the question of sub-categorization of over 2600 caste groups listed in the central OBC list. Central OBC list में 2600 OBC caste groups थे, उनका एक तरह से सब कैटेगराइजेशन के क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया था। कमीशन में मेंबर्स जो है वो कई ग्रुप थे या रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अलग अलग ग्रुप से भी लिए गए थे, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे से लिए गए थे, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल से लिए गए थे, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से लिए गए थे, ठीक है ना। पहला जो एग्जामिनेशन था वो ये था, फर्स्ट एग्जामिनिंग हाउ मच ऑफ 27% रिजर्वेशन वाज डोमिनेटेड बाय विच कास्ट ग्रुप। तो कौन सा कास्ट ग्रुप जो है डोमिनेट कर रहा है इस 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है उसमें, पहला तो ये था। तो द कंक्लूजन दैट ए स्मॉल नंबर ऑफ कास्ट ग्रुप्स अमंग ऑल ओबीसी ग्रुप्स वर डोमिनेटिंग रिजर्वेशन एंड गवर्नमेंट बेनिफिट। तो जो कमीशन है उसने कंक्लूड किया है कि कुछ ही एक चुनिंदा कास्ट ग्रुप्स हैं जो कि डोमिनेट कर रहे थे इस रिजर्वेशन को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हो या अदर जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है उनमें हो, ठीक है ना। द कमीशन प्रोसीडेड टू वर्क आउट ए फॉर्मूला, और कमीशन ने एक फॉर्मूला भी निकाला है फॉर ब्रेकिंग अप द कास्ट ग्रुप्स इन अ वे दैट वुड मेक द हाईएस्ट शेयर ऑफ 27% रिजर्वेशन पाई अवेलेबल टू द ग्रुप दैट हैव हिस्टोरिकली बीन क्राउडेड आउट ऑफ देम। तो मतलब इस तरीके से फॉर्मूला वो सेट आउट करने की कोशिश की गई है कि जो लार्जेस्ट शेयर है वो उनको मिले जिनका एक तरह से जो हिस्टोरिकली लैग बिहाइंड थे हाईएस्ट लेवल पे, और जो है स्मॉलेस्ट शेयर उसको जाना चाहिए जो कि डोमिनेंट जिनको डोमिनेट कर रहे थे, मतलब इस जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के थे उनको। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट विल नॉट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन विदाउट डिटेल डेलिब्रेशन विद द ऑल कंसर्टेड स्टेक होल्डर, तो सारे स्टेक होल्डर्स से कंसर्न करने के बाद ही इस पे कुछ डिसीजन लेना है, ऐसे तो एक्ट गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। इन एडिशन कमीशन वॉज ऑल्सो टास्क विद रेशनलाइजिंग द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को रेशनलाइज करने का भी बात की थी, उसमें करेक्शंस कीजिए और रिप्लेसमेंट कीजिए स्पेलिंग्स वगैरह में, जिससे
माइनर चेंजेस जो होते हैं एंट्रीज में वो जो है एक तरह से रेक्टिफाई करने की उसको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को वो काम भी जो है कमीशन को दिया गया था। तो फाइंडिंग सिग्निफिकेंट क्यों है उसके लिए ऑथर ने बताया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इस जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसकी। तो पहला तो ये बताया कि दिस डेटा सेट विल फॉर द फर्स्ट टाइम शो द चेंजेज इफ एनी इन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ओबीसी कम्युनिटीज। तो जब से इन ये 1993 से जब से बेनिफिट दिया गया तो उससे अब तक जो है क्या चेंजेस आया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन ओबीसी कम्युनिटी को जिनको ये रिजर्वेशन दिया गया था। दूसरा यह है कि इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट इन द लाइट ऑफ फैक्ट दैट द क्लेमर फॉर ए कास्ट सेंसस इज ग्रोइंग लाउडर अमंग ओबीसी अमंग द अपोजिशन एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी एक क्लेमर हो रहा है कि कास्ट सेंसस कीजिए कास्ट सेंसस कीजिए तो उसको भी कहीं ना कहीं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। तीसरा यह है कि द ग्रेनुलरिटी ऑफ डेटा एज envisioned इन द रोहिणी कमीशन रिपोर्ट विल inevitably हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोल मैथमेटिक्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। तो जो इलेक्ट्रोल मैथमेटिक्स रहती है पोलिटिकल पार्टी की वो उस पर भी एक तरह से डायरेक्ट इफेक्ट रहने वाला है क्योंकि कम्युनिटीज दैट हैव बीन डोमिनेटिंग बेनिफिट्स आर आल्सो पॉलिटिकली डोमिनेट। जो कम्युनिटी डोमिनेट कर रही है बेनिफिट्स में वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी डोमिनेट ही देखने को मिलती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका सिग्निफिकेंस रहने वाला है। दूसरा जो है जो रूलिंग गवर्नमेंट है कि उसको एक टफ स्पॉट में इसने ला दिया है कि क्या वो इन रिकमेंडेशंस पे वर्क करेगी क्या इन रिकमेंडेशंस को देखेगी या फिर इनको जो है वो दबा दिया जाएगा। ठीक है, फिर इतना लंबा समय क्यों लिया रिपोर्ट को सबमिट होने में। तो ऑथर ने यह बताया कि इनिशियली तो सिर्फ 12 वीक्स का टाइम दिया गया था कि रिपोर्ट को सबमिट करना है लेकिन पहले COVID-19 पैंडेमिक के रिगार्डिंग इसको एक्सटेंशन को मांगा गया। उसके बाद जो रेशनलाइजेशन का काम सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को दिया था उसको बता दिया गया कि इट इज अ मोनूमेंटल टास्क और इसलिए एक्सटेंशन माना गया। और तीसरा यह है कि तीसरे टाइम ये बोला गया कि तो वर्क तो फिनिश हो गया लेकिन जो उसमें एनेक्चर्स लगने हैं वो उनका काम अभी फाइनलाइजेशन पर रखा गया तो उसके बाद एक्सटेंशन दे दिया गया था। ठीक है ना, तो उसने ये फाइनली ये कहा है कि क्योंकि सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस तो उनको जो मेंबर्स और कंसल्टेंट थे उनको रेगुलरली पूरे 6 ईयर पीरियड में दिए गए हैं लेकिन जो रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस एक्सपेंडिचर है वो जो है लास्ट 2 ईयर्स में जो दिया गया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये था, आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट FAQ वाला पार्ट है, that is what is data protection bill of 2023। तो ये काफी न्यूज़ में रहा है, काफी डिस्कशन में रहा है कि क्योंकि लोगों ने इस पे कंसर्न जताई है, बहुत सारे ऑपोजिशन ने भी, बहुत सारी और स्टेक होल्डर्स ने इस पे जो है वो कंसर्न जताई है। तो यहाँ पे बेसिकली दो क्वेश्चंस का जवाब देगा, हाउ इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस इटरेशन और डोमेन्स क्या है वेयर इट हैज मेड एडवांसेज एंड द वंस वेयर इट इज लैगिंग। तो किन किन में एडवांसेज किए हैं इसने उससे अपने प्रीवियस वाले बिल से और किस में एडवांस किए। तो ये जर्नी शुरू हुई थी 2017 में जब एक एक्सपर्ट कमिटी जो है मीती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कॉन्स्टिट्यूट की थी तब। तो उसके बाद दिसंबर 2021 में डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो रिलीज किया गया था लेकिन बाद में इसको विदड्रॉ कर लिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगस्त 3, 2022 में विदड्रॉ किया था, उसके बाद नवंबर 2022 में जो है एक ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो है वो रिलीज किया गया था पब्लिक कंसल्टेशन के। लेकिन कुछ भी जो है जो सबमिशंस मेड बनाए गए थे इस बिल ड्राफ्ट बिल के अंदर वो जो है वो पब्लिक नहीं किए गए थे। दूसरा जो 2023 का बिल जो अभी टेबल किया गया था पार्लियामेंट में उसमें भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया था कि किस बेसिस पे जो है चेंजेस वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो हु डज इट प्रोटेक्ट, मतलब किसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे दो लोगों को जिक्र किया कि तो डाटा प्रिंसिपल और एक डाटा फिड्यूशरी। डाटा प्रिंसिपल वो है जिसका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और डाटा फिड्यूशरी वो है जो डाटा कलेक्ट कर रहा है जिसको डाटा मेंटेन करने की जिसकी जिम्मेदारी है। तो इसमें कुछ क्लॉजेज के थ्रू बताया गया है कि क्या क्या किसके लिए प्रोटेक्शन है, क्या क्या उसमें क्लॉज में क्या क्या मेंशन है। तो क्लॉज 11 जो है वो स्टेट करता है कि दैट द डाटा प्रिंसिपल हैज द राइट टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द डाटा फिड्यूशरी या समरी ऑफ अदर of the personal data being processed, identities of all the DF with whom its personal data has been shared and so on. ठीक है ना, subject to a few exceptions. उसमें कुछ exceptions छोड़ते हो, जो data principal है उसको कुछ right दिए गए हैं तो वो पूछ सकता है कि भाई कौन सा personal data जो है उसका process किया जा रहा है और किस किस data fiduciary के पास उसका जो data वो share किया गया है। Clause 12 में जो है यूजर्स कैन सीक करेक्शन सीक कर सकते हैं, कंप्लीशन सीक कर सकते हैं, अपडेट और इरेजर ऑफ देयर पर्सनल डाटा भी वो सीक कर सकता है जो डाटा प्रिंसिपल है, मतलब जिसका डाटा लिया जा रहा है। वहीं जो क्लॉज 13 है उसमें राइट ऑफ ग्रीवांस रिट्रेशल को दिया गया है जहाँ पे, और क्लॉज 14 में जो है राइट टू नॉमिनेट अदर इंडिविजुअल को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं इन केस ऑफ डेथ एंड इनकम्पिटेंसी। ठीक है, लेकिन व्हाइल द इंपिटस फॉर डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन मस्ट बी टू प्रोटेक्ट डाटा प्रिंसिपल्स पर्सनल डेटा फ्रॉम बीइंग अनविटिंगली एक्सप्लॉइटेड द बिल अपीयर्स टू बी डिजाइन इन अ मैनर दैट दिस प्रोटेक्शन इज कॉम्प्रोमाइज। तो बिल को इस तरह से डिजाइन किया कि कहीं ना कहीं जो डाटा प्रोटेक्शन है एक्चुअल में जो बात कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो उसमें एक ऑथर ने यह भी कहा कि
की जो डाटा डाटा प्रिंसिपल उस पर कुछ ड्यूटीज भी इम्पोज किया, कुछ पेनल्टीज भी इम्पोज की गई है, ठीक है ना। तो पेनल्टीज तो एक्चुअली ये जिक्र किया कि तो उसमें जो है ये है कि जो क्लोज 15 डे उसमें ये बताया कि जो डाटा प्रिंसिपल है he must ensure not to register a false or frivolous grievance or complaint with the DF or data protection board. तो एक तो false or frivolous grievance जो है वो register नहीं करेगा, और दूसरा अगर इससे adhere नहीं करते हैं तो उनपे 10,000 की penalty का भी जो है उसमें provision रखा गया है। तो इससे मतलब ये है कि onerous obligation जो है ये जो रखा गया है ये कहीं ना कहीं affect करेगा और prevent करेगा DPs को from raising grievance, वो grievance को raise करने से ही बचेंगे, क्योंकि ultimately अगर ये proof नहीं कर पाए कि भाई ये frivolous और fake grievance नहीं है तो उनको penalty के डर से वो एक तरह से grievance raise करने से कतराएंगे, ठीक है। Who does it exempt, किस किस को ये exemption देता है, तो एक goes of great concern that arises in the bill is the exemption under clause 17(2)(a) which if notified granted to the government and its authorities, government और authorities को clause 17(2)(a) में जो exemptions दिए गए हैं उनपे concern जताई गई है। 5 specific grounds में जो है bill ने government authorities को exempt किया है, ठीक है ना। Marking a discernible expansion of the scope of exemption, तो इसको जो expansion का scope है वो भी है further कि 5 के अलावा भी आप इसमें कुछ भी add कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, personal data which is processed for research, archiving और statistical purposes will also be exempted under clause 17(2)(b). इन purpose के लिए भी, statistics के लिए, research के लिए और archiving के लिए भी जो है exemptions provide किए गए हैं, ठीक है ना। Previous iteration की बात करें तो उसमें भी हालांकि exemptions थे, लेकिन जो नया वाला है उसने जो इस exemptions वाले part को जो है थोड़ा सा broaden कर दिया गया है, ये author ने यहाँ पे बताया है। What does it seek to amend? तो क्या चीज amend करने की यहाँ पे बात की गई है, मतलब जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस, जो अमेंडेड बिल एक तरह से प्रोड्यूस किया उसमें क्या क्या अमेंडमेंट या क्या क्या वो अमेंडमेंट लाने वाला है उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो जो सेक्शन 43A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द कॉर्पोरेट टू अवार्ड डैमेजेस टू अफेक्टेड पर्संस इन केस ऑफ नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ देयर सेंसिटिव डाटा। वहीं पे अगर जो क्लोज 44(2) की बात करें, जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया उसमें ये है कि इट एम्स टू एक्सक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 43A देयर बाय rendering an individual who has suffered breach of their data without any, तो यहाँ पे कोई relief नहीं दिया गया है। जो section 43 है information technology act का वो जरूर बात करता था, लेकिन उसको यहाँ पे exam हटाई दिया, मतलब उसके regarding कोई provision नहीं दिया गया है जो नया bill दिया गया उसमें, ठीक है ना। फिर क्लॉज 44(3) which seeks to amend the entire section 81J of the right to information act, right to information act 2005 का act है ये, और इसका एक 81J section था, वो certain exemption provide करता किस situation में जो है आप personal information नहीं देंगे। तो वहाँ पे जो पहले provision था वो ये था कि विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और विच वुड कॉज अनवॉरंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल वाइडन्स द स्कोप ऑफ विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब जो है अब उसमें ये कर दिया गया, इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और इसी को जो है हैविली क्रिटिसाइज किया भी गया कि जो आपने ये चेंज किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको कहीं ना कहीं आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को एक तरह से डायल्यूट कर दिया है, ठीक है ना। Previously qualifiers existed which narrowed the information that could be withheld by the public information. पहले तो था qualifiers थे उसमें कि आप कुछ conditions थे जिनमें आप जो है personal information को या information जो थी उसको आप वो कर सकते थे कि नहीं provide करें, लेकिन अब जो इन्होंने provision डाला कि information related to personal information उसको ही एक तरह से exempt कर दिया, तो कहीं ना कहीं dilute किया है उसको ITI के act को, ठीक है। Does it protect users, क्या users को protect करता है, तो it एक जो डिपार्चर हुआ है वो वाइडली अप्रिशिएट किया गया है, वो क्या था, प्रीवियस इटरेशन था वो डाटा फ्रीज ऑब्लिगेशन टू नोटिफाई द डीपी इन केस ऑफ पर्सनल डाटा ब्रीच। अगर पर्सनल डाटा ब्रीच होता है तो डाटा फिड्यूशियरी जो है उसका ऑब्लिगेशन है कि वो नोटिफाई करेगा डीपी को, तो इस एफर्ट को जो है इस प्रोविजन को जो है अप्रिशिएट जरूर किया गया है, ठीक है ना। देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम डीपीबी 2021 विद रिमूवल ऑफ द प्रोविजन फॉर कंपेंसेटिंग अ यूजर अफेक्टेड बाय द पर्सनल डाटा ब्रीच। तो जो यहाँ पे डेविएशन हुआ है जो बिल 2021 में इंट्रोड्यूस किया था उसमें रिमूवल कर दिया वहाँ पे प्रोविजन फॉर कंपेंसेटिंग यूजर अफेक्टेड बाय पर्सनल डाटा ब्रीच, कि पर्सनल डाटा ब्रीच जो होता है तो उसके लिए आप जो है यूजर है उसको आप कंपनसेट नहीं करेंगे, जो हमने अभी ऊपर बात की थी। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह इससे डाइवेज होना ये भी एक तरह से इशू है कि ये थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। दूसरा, लैक ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ डीएफ टू नोटिफाई डीपी एट द ऑफसेट मेक्स द डीपीज राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू देयर पर्सनल डाटा परफंक्ट्री। तो ये जो ऑब्लिगेशन अगर लैक रहेगा तो कहीं ना कहीं से जो डाटा प्रिंसिपल का राइट है टू इन्फो टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू पर्सनल डाटा परफंक्ट्री उसको कहीं ना कहीं एक तरह से ये परफंक्ट्री बना देता है, मतलब इस बिल को ही उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा अगर आप उसको ऑब्लिगेशन को हटा देंगे तो, ठीक है। जो अज्यूम्ड कंसेंट फ्रेमवर्क था डाटा प्रोटेक्शन जो बिल में दिया गया 2023 वाले नए वाले में, उसने जो है
जो पहले टर्म थी डीम्ड कंसेंट उसको हटा दिया गया, ठीक है। 2022 में जो प्रेजेंट किया गया था उसमें था डीम्ड कंसेंट, लेकिन उसको अब जो हटा के क्या कर दिया गया था, अज्यूम्ड कंसेंट फ्रेमवर्क ऑफ डीपी, अज्यूम्ड कंसेंट फ्रेमवर्क को यहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं, विच आउटलाइन द वेरियस सिचुएशन विच पर्सनल डाटा मे बी प्रोसेस्ड विदाउट ओपनिंग द डीपीज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो बिना डीपीज के इन्फॉर्म्ड कंसेंट के भी आप कुछ सिचुएशंस में जो है उस डाटा को जो है प्रोसेस कर सकते हो। तो थोड़ा सा वही है कि इसको हल्का सा अज्यूम्ड कंसेंट कर दिया, पहले डीम्ड कंसेंट था उसको अब अज्यूम्ड कंसेंट कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डाइल्यूशन ही हुआ है। और जो ये बिल है इट फेज टू डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा, इसके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं गया है कि किसको आप पर्सनल डाटा मानेंगे किसको आप सेंसिटिव पर्सनल डाटा मानेंगे। तो मतलब आप किसी को भी सेंसिटिव पर्सनल डाटा डिक्लेयर करके उसको जो है प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रोविजन ये रखा गया, तो उसी की रिगार्डिंग कंसर्न जो है वो बताई गई है। दूसरा जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग बात की गई है कि ये जो है 2019 का जब वर्जन आया तब से ये क्वेश्चन में है कि आपने उनको जो इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं दिया, हालांकि सैलरी अलाउंसेज और जो अदर टर्म्स ऑफ सर्विस है उनको तो रखा है कि दे कैन नॉट बी वेराइड टू देयर डिसएडवांटेज पोस्ट अपॉइंटमेंट, बट ओनली एडजुडिकेटरी एंड नॉट रेगुलेटरी पावर्स हैव बीन बेस्टोड अपॉन द डीपी। तो उसको केवल एडजुडिकेटरी पावर्स दी गई है, रेगुलेटरी पावर्स उसको नहीं दी गई है, उसके रिगार्डिंग कंसर्न लगा है कि कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंस से अफेक्ट हो रही है। हाउ विल द इंडिक्टमेंट्स अफेक्ट ट्रंप, ये अगला आर्टिकल है। तो कल भी हमने डिस्कस किया था किस तरह से जो थर्ड लेटेस्ट चार्जेस, थर्ड इंडिक्टमेंट में जो लेटेस्ट चार्जेस लगाए गए हैं जो प्रेडिसेसर प्रेसिडेंट थे यूएस के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप उनके अगेंस्ट, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल दिया कि उससे क्या जो है अफेक्ट होने वाला है आने वाले 2024 के इलेक्शंस में। तो लेटेस्ट चार्जेस रिलेटिंग टू हिज रोल इन ब्लॉकिंग द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बाय सीकिंग टू ओवरटर्न द रिजल्ट्स ऑफ 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो चार्जेस तो बता दिए कि जो 2020 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसके जो रिजल्ट को ओवरटर्न करने का जो एफर्ट किया गया था उसके रिगार्डिंग चार्जेस लगेंगे। उसमें मेन मैंने आपको बताया जो ये लेटेस्ट इंडिक्टमेंट हुआ उसमें चार चार्जेस बेसिकली फ्रेम किए गए थे। कल भी बात की थी कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड पहला था, विटनेसिंग टेम्परिंग दूसरा था, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन तीसरा था, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एंड अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफिशियल प्रोसीडिंग ये चौथा यहाँ पे चार्ज ये थर्ड इंडिक्टमेंट में लगाया गया है ये बताया है, ठीक है ना। अदर इंडिक्टमेंट भी लगे हुए थे उनके ऊपर ऑलरेडी, ये नहीं कि ये सिर्फ पहला ही था, इससे इसके अलावा और भी इंडिक्टमेंट लगे हुए हैं, उसमें हम एक कुछ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ही इज ऑलरेडी फेसिंग सेपरेट फेडरल फेलनी चार्जेज ओवर एलिजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 300 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एट मिस्टर ट्रंप्स प्राइवेट रिजॉर्ट इन मारा लागो फ्लोरिडा। तो ऑलरेडी वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को जो है ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्ट या लीक करने के वो चार्जेज ऑलरेडी पहले से ही वो फेस कर रहे थे। दूसरा क्रिमिनल चार्जेज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज लिंक्ड टू हिज अलीज पेमेंट ऑफ $130,000 एज हश मनी पेमेंट टू एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉमी डेनियल्स ने, जो उनपे चार्ज लगे थे उनको उन्होंने इस तरह से जो हश मनी के रूप में पेमेंट की थी उसके चार्जेज भी लगे हुए हैं। दूसरा ये, तीसरा ये है कि 2019 में जो है एक केस आया था इन विच राइटर ई जीन कैरोल हु हैड अक्यूज्ड मिस्टर ट्रंप ऑफ हैविंग रेप्ड हर इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर इन न्यूयॉर्क सिटी इन मिड 1990s, और न्यूयॉर्क कोर्ट जूरी ने रूल, ये जो रूलिंग दी थी या जजमेंट दिया था उसमें ही फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्सुअली अब्यूजिंग हर, ठीक है ना। तो ये तीसरा चार्ज था। चौथा ये है कि he will also likely face charges in the state of Georgia this month which relate to his and his campaign officials alleged attempts to overturn 2020 elections laws there. ye jo bhi baat ki thi ye chautha ye hai. iske alawa finally allowing a 3-year investigation Mr. Trump will likely to have a stand trial in October in New York in a civil lawsuit against himself, three of his eldest children and the Trump Organization executive team over allegations that they committed fraud by inflating. तो इन्फ्लेट करके मिस्टर ट्रंप की नेटवर्थ को इन्फ्लेट करके दिखाया गया था उसके चार्जेज हैं, और इस तरीके से उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है फेवरेबल लोन टर्म्स वो ले लिया था, उसके रिगार्डिंग भी जो है चार्जेस लगे हुए हैं। और अगर इस केस में वो लॉस कर जाते हैं ही फेसेस अ पोटेंशियल बैन ऑन ऑपरेटिंग बिजनेस इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, तो इसके बाद वो न्यूयॉर्क स्टेट में जो है वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ माइट द इंडिक्टमेंट्स अफेक्ट ट्रंप्स प्रोस्पेक्ट इन 2024 इलेक्शन, तो 2024 के इलेक्शन में क्या इफेक्ट प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं इन चार्जेज के। तो आपको ये मैंने कल भी बताया था कि जो पोल्स हो रहे हैं अभी वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप इज अहेड बाय अ कंसिडरेबल मार्जिन अगेंस्ट एटलीस्ट 14 रिपब्लिकन कैंडिडेट सीकिंग देयर पार्टीज नॉमिनेशन फॉर 2024 इलेक्शन। तो जो रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट होने वाला है होने के लिए अभी ट्रंप जो है वो लगभग कम से कम 14 रिपब्लिकन कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो 2024 के नॉमिनेशन हो रिपब्लिक पार्टी का वो डोनाल्ड ट्रंप ही उसमें नॉमिनेटेड हो और वो कैंडिडेट के रूप में जो है आए।
तो और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है वो अगर विक्ट्री हो जाती है 2024 इलेक्शन में तो वहां पे तो अलग ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो मिस्टर ट्रंप ने तो ड्राउंस किए हैं सारे चार्जेस को इंडिकेट में एज विच हंट एज एविडेंस ऑफ द करप्शन स्कैंडल एज फेलियर ऑफ ए बिडन हाउस व्हाइट हाउस, तो उसको उनके एक तरह से विच हंट बताते हुए जो डिनाउंस किया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात यह है, कल भी बताई थी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं दिया है कि अगर किसी के ऊपर चार्जेज या कोई गिल्टी है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। तो अगर ये होता है तो इस इट सजेस्ट दैट द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऑफ द यूएस बीइंग लेड बाय ए कन्विक्टेड प्रेसिडेंट और ए प्रेसिडेंट हु गवर्न्स फ्रॉम प्रिजन, ये कल भी बताया था, माइट नॉट बी अनथिंकेबल नेक्स्ट ईयर। अगर ऐसा होता तो इस इन बातों पे भी अटकलें होंगी अगले मंथ कि क्या अब ऐसा होगा कि जो कन्विक्टेड या गिल्टी या चार्जेज उन पे लगे हुए हैं वो या प्रेसिडेंट जो है वो करेंगे, और अगर उसमें गिल्ट किसी उसमें कन्विक्शन हो जाता है तो वो शायद प्रिजन से ही उसको मतलब गवर्नमेंट क्या प्रेसिडेंट फंक्शन करेंगे। ठीक है ना, एट द वेरी लीस्ट मिस्टर ट्रंप विंस ही माइट बी टेम्प्टेड टू हैव ऑल ऑफ हिज पोटेंशियल कन्विक्शन दिस मिनट आफ्टर ही एंटर्ड ऑफिस। अगर वो जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर करेंगे कि सारे के सारे चार्जेस जो है वो उनसे वो फ्री हो जाए, जितने भी कन्विक्शन उन पे लगे हुए हैं उन सबको डिसमिस करा दिया जाए। ठीक है ना, पहले भी ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि कोई चार्ड या चार्ड कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो हिस्टोरिकली उन्होंने दो कैंडिडेट हुए थे, सोशलिस्ट यूजीन डेब्स इन 1920 एंड लिंडन ला रोचे 1992 रेन फॉर ऑफिस विद क्रिमिनल कन्विक्शन, लेकिन दोनों ही जो है वो हार गए थे। ठीक है ना, तो दिस इज इट। प्रोफाइल्स में जो है आज जिक्र किया गया था तो एक तो बजरंग दल का इसमें जिक्र किया गया है, तो बजरंग दल के रिगार्डिंग यहाँ पे उसने बताया है कि द बजरंग दल वाज एस्टैब्लिश 1984 फॉर द सेफ्टी ऑफ द राम जानकी रथ विच वर मार्किंग ग्राउंड इन उत्तर प्रदेश मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द राम जन्मभूमि मूवमेंट, तो विश्व हिंदू परिषद का एक तरह से आर्म है। तो लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है जो जो बजरंग दल के एक तरह से सपोर्टर्स हैं या एक तरह से कहते हैं स्पोक्स पर्सन है, वो ये कहते हैं कि जो इनकी एक्टिविटीज है बजरंग दल की, दीज आर नॉट द ओनली एक्टिविटी ऑफ बजरंग दल ऑल्दो द इंग्लिश मीडिया ओनली स्पीक्स ऑफ गोरक्षा एंड प्रिवेंशन ऑफ लव जिहाद इन अ डेरोगेटरी वे, कि जो गोरक्षा और लव जिहाद को भी जो इंग्लिश मीडिया उसको एक तो डेरोगेटरी वे में प्रेजेंट करता है, क्योंकि प्रेजेंट ऑथर का कहना है कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। दूसरा ऑथर ने भी कहा कि इसके अलावा भी और काम करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे एक इनिशिएटिव उन्होंने दिखाया, एक गाँव एक शमशान एक मंदिर, ठीक है ना, प्रोग्राम वेयर इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज स्पेस आर अंडरटेकन एंड द हेल्प इट रेंडर ड्यूरिंग द अमरनाथ यात्रा इन 1996 आर मेंशन्ड एज अचीवमेंट्स ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पे उन्होंने अमरनाथ यात्रा में जो सपोर्ट रेंडर किया था वो, और जो एक गांव एक शमशान एक मंदिर वाला जो इनिशिएटिव है जिसमें क्लीनिंग प्रोग्राम्स जो मेंटेनेंस की जो पब्लिक स्पेसेज है उनको मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो है ऑर्गेनाइज ये काम चलाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग में उसने बताया कि ये भी काम वो करता है। ठीक है, तो दिस इज इट। आगे है ऑन ए मिशन टू रीशेप इसराइल, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस उसकी बात की गई है वो एक वो है कोहेलेट। कोहेलेट क्या है, ये थिंक टैंक है जो कि फाउंड किया था इसराइली अमेरिकन के द्वारा। ठीक है ना, और कोहेलेंट का जो मेनली रोल है जो इसराइल प्रेजेंट इसराइल गवर्नमेंट है उसको एक तरह से कहीं ना कहीं उस कोहेलेट का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है और उसकी जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं उसी से गाइड हो रही है। ठीक है ना, तो कोहेलेट का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है वो इट इज टू सिक्योर इजराइल फ्यूचर एज द नेशन स्टेट ऑफ द ज्यूइश पीपल, और दूसरा है टू ब्रॉडन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स इन इजराइल। ठीक है ना, और ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जा रहा है कि कोहेलेट इज द ब्रेन बिहाइंड द जुडिशियल ओवरहॉल लेजिस्लेशन, जो रिसेंटली जुडिशियल ओवरहॉल हुआ है इसराइल में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो कटेल कर दी गई है रिव्यू करने की, तो या है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं किसका ब्रेन चाइल्ड था, वो कोहेलेट का ही उसमें जो है उसका माइंडसेट था उसके पीछे। ठीक है ना, स्टेट ऑफ ज्यूइश पीपल के रिगार्डिंग कोहेलेट वाज आल्सो द की ड्राइवर बिहाइंड द नेशन स्टेट लॉ पास इन 2018 में, जो नेशन स्टेट लॉ पास हुआ था 2003 में विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड इजराइल टू बी नेशन स्टेट ऑफ द ज्यूइश पीपल वेयर ज्यूज अलोन हैव द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, ये भी जो है किसका की ड्राइवर था, ये भी कोहेलेट का ही की ड्राइवर था। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में कहते हैं कोहेलेट अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंड्यूट फॉर चैनलिंग द आइडियाज ऑफ द अमेरिकन फार राइट इनटू इजराइल हैज आल्सो बीन एक्टिव इन शिफ्टिंग द अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल इन अ मैनर दैट इट वुड मेक इट डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल फॉर अमेरिकन लॉ मेकर टू क्रिटिसाइज इजराइल इवन फॉर अब्यूज डॉक्यूमेंटेड बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज सच एज एमनेस्टी एंड राइट विंग, तो इस तरीके से उनको बनाया जा रहा है चैनलाइज किया जा रहा है आइडियाज को कि जो अमेरिकन लॉ मेकर्स है वो क्रिटिसाइज ना कर पाए इजराइल को। ठीक है ना, नेक्स्ट इज
स्पीकर ट्रबल, तो यहाँ पे जो कर्नाटक सॉरी केरल के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर है उनका स्टेटमेंट को जो है किस तरीके से उस पे इश्यूज हो रहे हैं और केरल में पॉलिटिकल स्टॉर्म जो हो गया है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात किया। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अपील टू स्टूडेंट्स टू एनश्राइन साइंस ओवर लिटरेटरिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन एट ए स्कूल असेंबली इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कन्नूर इन थलासेरी लास्ट वीक हैड ट्रिगर्ड ए पॉलिटिकल स्टॉर्म। तो यहाँ पे जो क्योंकि जो पार्टी है पावर में है दैट इज सीपीआई मार्क्सिस्ट और जो वहां की इन्फ्लुएंशियल नायर सर्विस सोसाइटी है वो इससे कहीं ना कहीं खफा हुई है और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी एनएसएस के सपोर्ट में आ गए हैं कि जो स्पीकर हैं वो एक तरह से अपोलॉजी जो है वो अपनी वहां पे दें। तो उसमें जो एनएसएस है उन्होंने कहा कि इट वुंडेड हिंदूज हर्ट्स एंड हिज कमेंट्स वर अनबिकमिंग ऑफ ए स्पीकर डिमांडेड मिस्टर शमशीर अपोलॉजी फॉर स्वेयर द स्पीकर्स चेयर। ठीक है ना, तो अनबिकमिंग ऑफ स्पीकर उसको बोला है लेकिन यहाँ पे वही है कि जो रूलिंग पार्टी है जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि इट इज जस्ट डाइवर्टिंग अटेंशन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि जो आर्टिकल 15 है इट स्टेट दैट सिटीजंस मस्ट डेवलप साइंटिफिक टेंपर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये आर्टिकल 15 कहता है। दूसरा ये भी कहा कि द स्पीकर हैज नॉट ओवरस्टेप्ड द बाउंड्स ऑफ हिज ऑफिस और ट्रेसपास्ड ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और बिलीफ्स ऑफ देयर चॉइस। तो ये जो स्टेटमेंट है और जो सपोर्टिंग पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि ये कहीं भी ओवरस्टेप नहीं कर रहा है स्पीकर का स्टेटमेंट या उनको ट्रेसपास नहीं कर रहा है जो फंडामेंटल राइट बिलीफ और प्रोफेसिंग रिलीजन से प्रोपेगेटिंग एनी रिलीजन से रिलेटेड दिए हुए हैं। ठीक है ना, और जो सीपीआई मार्क्सिस्ट जो कि रूलिंग पार्टी है केरल में वो ये कह रही है कि द अपोजिशन वॉन्टेड टू डाइवर्ट वोटर अटेंशन फ्रॉम मणिपुर वायलेंस एंड द सेंटर्स बिड टू ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना, जिसको विसरली मोटिव्स बताया है क्योंकि रेजोनेटेड स्ट्रॉन्गली अमंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हु कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ केरल पॉपुलेशन। तो केरल की 43% जो है वो या तो क्रिश्चियंस है या मुस्लिम्स है, तो ये डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पे एक तरह से 43% उनका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो यूसीसी के अगेंस्ट क्योंकि यूसीसी के रिगार्डिंग उनका ही काफी अपोजिशन या उनके ही कंसर्न देखने को मिले हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब हाईलाइट ऑथर कर रहा है कि इसकी वजह से जो है डाइवर्ट कर रहे हैं ये अटेंशन को इशूज से। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टूडेज डिस्कशन। होप आपको ये पसंद आया होगा, तो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।